मैं सत्येंद्र कुमार बोल रहा हूँ। कोरोना 19 के तहत पूरा विश्व इस समय लॉकडाउन चल रहा है, जिससे आपकी सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को आदेश दिया है कि आपकी पढ़ाई की व्यवस्था किसी न किसी रूप में चाहे ऑनलाइन की जाए, मतलब ऑनलाइन ही की जा सकती है घर बैठे ही। इसीलिए कॉलेज प्रशासन हम लोग को निर्देश दिया है कि आप लोग बच्चों को पढ़ाएं, जिसके तहत हमें जो कोर्स पढ़ाना है वो है, कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये जो है 2 क्रेडिट का कोर्स है, 1+1। 1+1 का मतलब होता है एक आपकी प्रैक्टिकल क्लास, एक आपकी थ्योरी क्लास। प्रैक्टिकल क्लास तो अभी कॉलेज बंद चल रहा है, इसमें चल नहीं पाएगी, इसलिए हम ऑनलाइन आपको जितना हो सकेगा पढ़ाएंगे। और इसी में है आपका, इसका AG एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कोर्स कोड है AG204। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कोर्स कोड है AG204। हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपका अर्थशास्त्र। डाल लीजिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक अर्थ है, जो कि संस्कृत शब्दों में इसका अर्थ है धन, जो कि संस्कृत शब्दों में इसका अर्थ है धन। और जो ये दूसरा शब्द है शास्त्र, जो दूसरा शब्द है शास्त्र, शास्त्र जो है संध से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, शास्त्र जो है संध से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। तो ये धन और धन का अध्ययन दोनों मिलकर बनता है धन का शास्त्र। और ये धन का शास्त्र किसने कहा था, ये जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनको हम जानते हैं एडन स्मिथ, इनका जन्म 16 जून 1723 को हुआ था, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन में कहीं और ये पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ये देखिए, पॉइंट 1929 में, 1929 में पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थशास्त्र से पहले क्या हुआ था, कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान के विभिन्न विषयों की शिक्षा और शोध की व्याख्या के लिए, कृषि विज्ञान के विभिन्न विषयों की शिक्षा एवं शोध की व्याख्या के लिए सन 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत भारत में कृषि कामा पशुपालन कामा मछली पालन कामा मुर्गी पालन और कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों में, मतलब कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों में शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार, शिक्षा के विस्तार की जिम्मेदारी इसी परिषद मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1962। 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि अर्थशास्त्र के अलग विभाग की स्थापना की गई, जो कि इसी के तहत भारत में अनेक कृषि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में इसके लिए अलग विभाग की स्थापना की गई।
इस मतलब इन विश्वविद्यालयों में कृषि अर्थशास्त्र की एक विभाग स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1929 में जानिए क्या हुआ, अखिल भारतीय स्तर पर कृषि अर्थशास्त्र की शिक्षा एवं शोध से भारतीय कृषि अर्थशास्त्र सोसाइटी की स्थापना की गई। ये हो गया। अब जान लीजिए अर्थशास्त्र की हम कुछ डिफिनीशन बता रहे हैं। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अनेक तर्क दिए हैं, जिसमें हम डिफिनीशन बता दिए हैं जोजियर, ग्रे और रॉबिन्स की। हम डिफिनीशन आपको बता इसमें मेंशन कर दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा हम कृषि अर्थशास्त्र की कुछ डिफिनीशन हम और बता रहे हैं आपको। जैसे आम भाषा में जानिए, कृषि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आपको दिनचर्या में उपयोग करने के लिए हमें धन उपलब्ध कराता है, चाहे मजदूरी करके, चाहे खेती करके, चाहे जो आप करके हमें धन मिलता है, या पालन पोषण के लिए जो हमें धन अर्जित करते हैं उसे हम अर्थशास्त्र कर सकते हैं। और उसके अलावा एक डिफिनीशन और है कि कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि साधारण अर्थशास्त्र के नियमों को कृषि धंधों व व्यापार पर लागू करना। ये तो हो गया कृषि अर्थशास्त्र। अब नेक्स्ट आ जाइए, अब इसमें हम चार पॉइंट दिए हैं किस आधार पर कृषि अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाओं को जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है तथा कई भागों में बांटा गया है और इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नंबर एक भू अर्थशास्त्र, जिसको हम बोलते हैं लैंड इकोनॉमिक्स होती है। इसे आजकल जानते ही होंगे कि सबके घर खेती होती है, और किसी की बार खेती मान लीजिए नहीं है तो दूसरे की खेती पैसे देकर या अधी पे लेता है, पैसे दे के लिया मतलब वो अनाज खुद रखेगा, और पैसे नहीं दिया तो आधा अनाज खेती मालिक को देता है, आधा अपने को लेता है। इसी को हम भाषा में हम कह सकते हैं भूमि अर्थशास्त्र, जिसमें दो लाइन की डिफिनीशन है सुनिए। आय का वह भाग जो भूमिपतियों को उनकी भूमि के उपयोग के बदले में दिया जाता है उसे हम भूमि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाइए श्रम अर्थशास्त्र, जिसको हम बोलते हैं लेबर इकोनॉमिक्स। आम भाषा में जानिए हम हैं, इस समय आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी कुछ न कुछ एनर्जी हरास हो रही है पढ़ाने में आपको, है उसी प्रकार आप जो इसको पढ़ेंगे देखेंगे कुछ मेहनत करेंगे आपकी एनर्जी हरास होती है, उसको आपका श्रम हो रहा है, हरास हो रहा है उसको हम कृषि भाषा में हम कह सकते हैं कि श्रम अर्थशास्त्र वह विज्ञान तथा कला है जिसमें विभिन्न श्रम समस्याओं का सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूपों में अध्ययन किया जाता है उसे हम श्रम अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है म्युनिसिपल अर्थशास्त्र अथवा नगर पालिका अर्थशास्त्र। अब जान लीजिए नगर पालिका कहाँ हो सकती है, जैसे अपने अंबेडकर नगर में नगर पालिका है, जिले में नगर पालिका है। नगर पालिका के कुछ नियम कानून होते हैं। नगर पालिका शहरीय निवासियों को रोजमर्रा की सार्वजनिक, घरेलू, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
डिजाइन की गई सेवाओं, उद्यमों और इंजीनियरिंग संरचनाओं की सुविधा प्रदान करता है। जैसे जान लीजिए, आपके रहने की व्यवस्था, आपके बिजली की व्यवस्था, आपके विद्यालय की व्यवस्था, आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था, आपकी सफाई की, मोहल्ले की सफाई की व्यवस्था को नगर पालिका अच्छी तरह देखती है। इसको हम म्युनिसिपल या नगर पालिका अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ग्राम अर्थशास्त्र। इसको हम आम भाषा में कहते हैं ग्रामीण अर्थशास्त्र। ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र वह है, ग्रामीण अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि किया जाता है, उसे हम ग्रामीण अर्थशास्त्र कहते हैं। ये हो गया ग्रामीण अर्थशास्त्र हम कहते हैं। इसको मेंशन हम पूरा कर दिए, कई डिफिनेशन बता चुके हैं। अब जान लीजिए, भारत में कृषि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जिसमें अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे हर एक सब्जेक्ट अलग अलग होता है, कोई एग्रीकल्चर है, कोई हार्टिकल्चर है, कोई वेजिटेबल है, कोई ब्रीडिंग है, कोई एंटोमोलॉजी है, कोई एग्रोनॉमी है। इसी तरह कृषि अर्थशास्त्र की एक अहम भूमिका है, जिसके बारे में हम आपको धीरे धीरे लेक्चर के द्वारा प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।